वाहिगुरु जी, हर हर जन दुइ एक है, बिब विचार कछ दाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे। वाहिगुरु आयु सुन अब तो सो कह तो जह सवै विवादा विदान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु सवारी गुरु खालसा सतसंग जीओ। आप वड्डे भागां वाले हो कि चलो परमात्मा की बख्शी सदका अते संतां महापुरखां दे असीस सदका अध्यात्म विचार ग्रंथ है तो बहुत गंभीर, पर फिर भी जितनी साड़ी समझ विच आ जावे विद्यार्थियों लिए सुखैन शब्दों विच इहदी कथा विचार की जा रही है। आओ इस अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ के लगभग 37 पद आप जी ने श्रवण कर ले हैं, आओ 38वां पदा श्रवण करिए जी। हुण सिख ने पूछा, दसो गुरु जी, जो विराट पुरख है वो आप जी ने दसिया है, वो मैं समझ आ गई। हुण एक कदों तो बनिया विराट रूप, कद तक रहेगा, इहदा टाइम की है? इतना परमात्मा का विशाल रूप है, सृष्टि सारी रचना जब तक परलो नहीं होंदी, वो टाइम की उहदा? जिवें अपने समझ आउंदा 100 साल बंदे की उम्र है, पूरा जिहड़ा विराट रूप है इहदा की टाइम है? ये कदों कदों सी, कब ते है, कब लोर है, कही है सब है प्रमाण। ते हुण गुरु जी दा उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्मा ही की आयु लो। आयु औंकड़ होंदी है, आयु ठीक है, कोई गल नहीं, आयु उम्र, ब्रह्मा दी उम्र तक या को बधियो प्रमाण, इहदा इसका प्रमाण है, आप इहदा प्रमाण वधदा होया इतनी इहदी उम्र है। ब्रह्मा दी उम्र तक सृष्टि दी उम्र है, भाव एक बारी सृष्टि, कई बार जमी, कई बारी होया, कई बार पसरे पास आर सदा सदा एक एक अंकार। ये सृष्टि दी उम्र जो दिख रही है ना सृष्टि, इहदी इतनी उम्र है। सुन अब तो सो कह तो जह सब विधान। गुरु जी कहन लगे, बेटा सुन, हुण तैनू दसदे आ इहदा विधान की है, इहदा सारा पसारा की है, इहदी की मर्यादा है। 17,28 है युग सत चहू पग जानो। हुण की बनेगा इहदा भाव? सतयुग की उम्र है 17,28,000। सौखा समझने लिए पूरा सवैया पढ़ोगे समझ आ जाएगा। कलयुग की उम्र 4,32,000, इनू डबल कर लो 8,64,000। 4,32,000, 4×8, 32×64 बन गई ना 8,64,000 बन गई। वो बढ़ गई द्वापर की उम्र। 33 उम्र इसको तिगनी कर लो कल तो 12,96,000। इस चौगुनी कर लो सतयुग की, वो बनेगी 17,28,000। यह सौखा तरीका है, ठीक है जी। 17,28,000 ये उम्र है कि सतयुग की, युग सतयुग, ठीक है। चहू पग जानो, चार पग हैं, चार पैर, कि उदो जरा कह लो मनिया जाता है भी तौल धर्म दया कपूर, उदो तौल रूपी बल्द चार पैरों पर खड़ा सी। ओके, एक पैर है सत, दूजा है तप, तीजा यज्ञ, चौथा है दान। इन्हां चार पैरों पर वह तौल रूपी धर्म जिहड़ा कह लो सतयुग खड़ा सी। सतयुग विच ये चारों मन्ने जांदे, सत भी, तप भी, यज्ञ करना भी, दान करना भी, ये चारों कर्म होंदे सन। 12,96,000 33 की उम्र बन गई, 3 गुणा बन गई ना, 12,96,000। ये गिणती सौखी याद रहेगी। 4,32,000 याद करो, इन डबल टेबल 4 गुणा करी जाओ,
12,28,000 ये उम्र है कि दी 12,96,000 ये उम्र है त्रेते दी। ये किड़े पग हैं तह पग तीन, तीन पग हैं तेता तह पग तीन बखानो तीन पैर, एक पैर कट गया। किड़ा पैर कट गया? सत कट गया, सत सच बोलना कट गया। जो सच बोलना कट गया सतयुग है ना, साझा युग जिथे अज भी सच बोलिया जाता सतयुग बन गया जिदे हिरदे। तीन पैर किहड़े रह गए? तप यग अते दान। याद रखने बड़ी गड़ी गंभीर चीज़ है, बाणी बड़ी बारी यदा भाव आता है सतयुग। वो आना कई बार शब्द आते ये बारे इन्ह पगों बारे, पग त्रै किस गया आता ना शब्द, पग चौथा किस गया सतयुग सत तेता जगीता वापर पूजा जान, वो भी कई थान पर आता है। इस करके लाभदायक ये तो कहें गुरबाणी के अर्थ समझने लई ये जिहड़ा वा ग्रंथ है या आत्म ग्रंथ या होर ग्रंथ ये सहायक होंगे है, इस करके सहायक है ना। हूँ तो बंदे की पता कि पैर होंगे इतने लिखे ना, दूजा उम्र किन्नी लिखी इन्हों की इतने लिखी है, सारा कुछ लिखिया। ब दूजा है बाणी का विस्तार करने लई खुला इस ग्रंथा की कहो होर समझ आ जाती है, अर्थ भाव करने लई रहो विचार कि तीन पैर सन धर्म दे वो किहड़े, सत चला गया पहला हुण तप दान अते यग रह गया है। अठ लाख हजार जो चौसठ द्वापर दवै पग धर्म के मानो। अठ लाख हजार जो चौसठ, 864,000 द्वापर, ये द्वापर की उम्र है। दोवै पग धर्म के मानो, धर्म दो पग आ गए ना, धर्म के दो पैर जाणो किहड़े। हुण इत्थे तप भी चला गया, तप करना भी चला गया, उम्र घट गई तप करना चला गया। हुण द्वापर की होने लगा? यज्ञ ते दान, ये दो कर्म होने लगे। 432,000 को है कल के पगे ठहरानो। 432,000 ये कलयुग दा कह लो समा बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई। 432,000 डबल कर लो 864,000, इनू तिगना कर लो। इनू क्या तिगना करना है? कलयुग नू तिगना कर लो 12,96,000, इनू चार गुणा कर लो 17,28,000। ठीक है ना, एक भावें जमा करके देख लेना, यही बनेगा सारा। तो यदा एक पैर रह गया, एक पैर कि रह गया? केवल दान रह गया, बाकी सारे पैर खत्म हो गए। दोहरा 43,00,000 यार बीते 20,000। 43,00,000 अते 20,000 एक कुल बन दी उम्र। 4, 8 ते 12 ते 17 इनू इकट्ठा कर लो सारे नू, कुल उम्र बनेगी 43,20,000 सारे जोगा की उम्र जो जमा करोगे ना। 17,28,000 प्लस करो 12,96,000 सारे गिणी कीती कीती उपर बिच, इस करके उम्र बनेगी तुहाडी 43,20,000 उम्र बनेगी। एक चौंकड़ी जुगन की तो को कहो विचार। ते गुरु जी कहणगे, उस्ताद जी कहणगे, बेटा ए चौंकड़ी जुगन दसी है, इन्नी उम्र एक चौंकड़ी बनती है, एक युग दी चार जुगां दी एक चौंकड़ी बनती है, चौंकड़ी कहंदे जिहनूं। हुण बाणी च कम्युनिकेशन चौंकड़ी की होंदी है। 43,20,000 इस समय की एक चौंकड़ी बनती है, चार युगों की चौंकड़ी बनती है। तो को कहो विचार, तैनू दसी विचार करके। एक चौंकड़ी जुगन की तो को कहो विचार। हाँ जी बोलो। ऐसी ऐसी चौंकड़ी जुग जब जाए हजार। जो तो इस तरह हजारा चौंकड़ियां बतीत हो जान। ब्रह्मा जू को एक दिन कहियत निरता। ते ब्रह्मा दा एक दिन बनता है, हिसाब ला लो ब्रह्मा दा एक दिन हजारा चौंकड़ियां बीजन, पाव कह लो 4,000 युग बतीत हो जाए तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है। समझ आ गई, 4,000 जो युग बतीत हो जाए। चलो जी, दोहरा जेते युग को दिन कहो तेती है पुनरात। जिन्हें वह दिन है उन्हें रात भी होंगी, डबल कर लो उन्होंने। और अब 8,000 बन गया, 8,000 युग बन गए,
ਤੇ 19 ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਣੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੇ ਦਿਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਪਰਲੇ ਹਵੈ ਜਾ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਕੇ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕਲਪ ਕਹੀ ਸਭ ਤਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਕੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਚੌਦਾਂ ਇੰਦਰ ਜਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਚੌਦਾਂ ਇੰਦਰ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਕਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਇੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਮ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਪ ਚੌਦਾਂ ਇੰਦਰ ਜਮ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਬਰਖ ਤੀਨ ਸਹਿ ਸਾਠ ਕੋ ਇਨ ਦਿਵਸਨ ਕੋ ਹੋਏ 360 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 360 ਬਣਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਯੂ ਦਬਿਓ ਆਯੂ ਦਿਵਯ ਸੌ ਬਰਖੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਕੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 360 ਫਿਰ ਅੱਗੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਯੂ ਦਿਵਯ ਸੌ ਬਰਖ 100 ਬਰਖ ਦੀ ਆਓ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਕੀ ਜੋਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 360 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾ ਪ੍ਰਲੈ ਹੈ ਮਰਮ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮਰਨੀ ਮਰ ਨੰਨਾ ਹੈ ਮਰਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਾ ਪ੍ਰਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਵਸਾਰ ਤੱਕ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਈਸ਼ ਕੀ ਮਾਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਵਸਾਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੋ ਕਹਿ ਕੱਛ ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇਖੀ ਮਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।